पंचायत समय सेवक, हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के तहत पंचायती राज अधिनियम के तहत हम लोग स्वयं सेवक पद पर बहाल हुए हैं। पूरे झारखंड में 18,000 हैं। हम लोग आवास का काम करते हैं, डोर टू डोर पेंशन हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है कि सर्वे का काम करते हैं, शौचालय का भी हम लोग सर्वे करते हैं, लेकिन हम लोग का सरकार प्रोत्साहन राशि पर रखी है जो कि समय पर भी नहीं मिलता है। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का एक सम्मानजनक जो मानदेय लागू किया जाए और 60 साल का नियुक्तिकरण किया जाए। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आने वाला विधानसभा में इस सरकार को चुनाव में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और नए सरकार का डिमांड करेंगे। मेरा नाम महताब आलम, धुरकी, प्रखंड धुरकी सर। और एक और मैं कहना चाहता हूँ सर, ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्षों के साय में इतिहास बनता है। जिधर जवानी चलती है उधर पूरा जमाना चलता है। नहीं हो रहा, करने वाले भी नहीं, ऐसा लग रहा उनको डर हो गया है हम लोगों से कि अब हम लोग का कुर्सी नहीं बचने वाला। देखिए क्या होता है, बात तो प्रयास चल ही रहा है बात होने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। प्रशासन बोल रहा है कि बात करवा रहे लेकिन करवा नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों डर लग रहा है। हम लोग उचित मानदेय यही सरकार से मांग है, इसी उम्मीद से हम लोग सरकार चेंज करके हेमंत दादा को बैठाए दे, लेकिन ये खरा नहीं उतर रहे हैं। और 24 आने दीजिए, इनको भी उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। बिक्की चंद्रवंशी, बरकट्ठा हजार विभाग, पंचायत सचिवालय सोवेक संघ द्वारा विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपने 5 सूत्री मांगों को लेके। तमाम जनता बच्चों के साथ मौजूद है, सभी जिलों से यहाँ पे पंचायत सभा के संघ लोग आए हैं। ये लोग अब मांग है अस्थायीकरण, जो उचित मानदेय को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ये लोग आश्वासन दे कि तो ही यहाँ से हम उठ के जाएंगे। यानी तमाम जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी जिलों से लोग आए हुए हैं और क्या क्या मांग है तमाम चीजों लोग बात करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हम लोग तो 2016 से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग रघुवर दास जी ने बहाली किए थे, लेकिन वो सरकार हम लोग को बहाली करके जन्म दे के छोड़ दी। अगर रघुवर दास को हम लोग चुनौती दे चुके हैं, अगर हम लोग मानदेय नहीं देंगे तो हम लोग आपको सरकार गिरा देंगे। सरकार रघुवर दास को हम लोग गिरा दिए। उसी प्रकार आज हेमंत सोरेन से हम लोग वार्ता के लिए बोल रहे हैं। 8 जुलाई से हम लोग विधानसभा में राजभवन के पास धरना दिए हुए हैं, लेकिन सरकार एक बार हम लोग से वार्ता करने के लिए नहीं आई है। लेकिन अगर सरकार वार्ता करके हम लोग को मानदेय अगर दे देती है तो ठीक है, पुनः दोबारा सरकार में आएगी। अगर मानदेय नहीं दी सरकार तो ये सरकार समझ ले इसका पत्ता साफ होने वाला है। हम ये तमाम मांगों को लेके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग अपने होर्डिंग लेके आए हैं, पंचायत सचिवालय से वो अस्थायी करिए, मानदेय सही मानदेय दे, क्योंकि इन लोगों से सभी तरह के काम कराए जाते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या मांग है? हम चतरा जिला से आए हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि हम लोग जो आज लगभग 7 सालों से जो काम कर रहे हैं, तो सरकार हम लोगों को धोखा देने का जो हमेशा काम किया, जब सरकार नहीं बनी थी तो हम लोग को बोला कि हमारा सरकार बनाइए, हम आप लोग को स्थायी करेंगे, और जो रघुवर सरकार नहीं किया वो हम आप लोगों को करेंगे। लेकिन ये सरकार के बहकावे में हम लोग आ करके आज 4 साल तक हम लोग थके जा रहे हैं। हम लोगों के बाल बच्चे भी हैं, माता पिता है, बहन है, जो कि रोज सुबह अपने पेट्रोल जला करके गांव में निकलते हैं और सरकार के काम करते हैं, और शाम को आते तो कुछ वही बाल बच्चे हम लोग को पूछता है कि क्या हम लोग क्या लेके आए पापा। लेकिन सरकार थोड़ा सा हम लोग के बाल बच्चे के बारे में सोचे। सरकार अगर हम लोग की मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग भी 2024 में इस सरकार को दिखा देंगे कि पंचायत सेवक अगर घर घर जाके काम करके प्रचार कर सकती है तो इसका बिगाड़ने का काम सरकार हम लोग जरूर करेंगे। इस हर घर में इस सरकार को जो बुराइयां हैं हर घर में हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। देखिए सभी मांगों को लेकर इन लोगों ने कहा कि जब हेमंत सोरेन सरकार नहीं बनी थी तो उनका कहना था हमें अस्थायी कराया जाएगा, साथ ही साथ इन लोग जो उचित मानदेय भी दिया जाएगा। और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी बात करते हैं। आखिर इतने दूर दूर से लोग आए हैं, क्या मांगे हैं? देखिए तस्वीरें देखिए, सभी लोग यहाँ पे सभी तमाम जिलों से लोग 2400 जिला से लोग आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम आप लोग आए हैं तो क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या हम लोग सरकार से वार्ता करने के लिए हम लोग 18,000 स्वयंसेवक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 8 जुलाई से धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार से हम लोग का यही मांग है कि स्वयंसेवक को अस्थायी किया जाए और हम लोगों का एक उचित मानदेय दिया जाए।
के सभी लोगों का एक ही मांग है कि हमारी अस्थायीकरण किया जाए और जो काम कर रहे हैं उसके अनुरूप हमें सही राशि दिया जाए। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत न्यूज 24 रांची।